तो आज जा रहे हैं मैं करेला बनाने। हाँ, बहुत दिन पे करेला आज जा रही हूँ। कौन सा करेला मम्मी? भरवा बनाऊंगी। अच्छा, भरवा करेला बनाऊंगी। ये सब देखो ना मसाले। अच्छा मम्मी, यहाँ सब मसाले वसाले सब निकाल रहे हैं। चने का दाल पड़ेगा, मसाले को अच्छी धनिया है, ये अजवाइन है हल्का सा, ये सौंफ है, मेथी है, जीरा है और थोड़ा सा लहसुन भी लेने का ना। हाँ, लहसुन भी थोड़ा सा। बस ये और कुछ मसाला रहेगा मम्मी? नहीं, चने का दाल रहेगा अभी, इसको भूनेंगे, भून के पीसने का है। हाँ। फिर वो चने का दाल मिलाने का है। हाँ। और चने का दाल मिला करके फिर दही जो है ना, फिर उस पर फिर दही वही डाल करके फिर उसको भरने का उसमें करके, हाँ, भर के बंद करके रख देना। अच्छा अच्छा बनता, टेस्टिंग बनता। हाँ ठीक है, तो फिर इसको क्या करूँ, पहले भूनूँ? हाँ, इसको भूनो और पीसो। अच्छा ठीक है। प्याज भी काट लिया, एक छोटा प्याज काटने का। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? आई हो, अच्छे ही हो गए है ना? तो आपको तो पता चल चुका है मम्मी क्या बना रहे, और भाभी मैं क्या बोलूँ सच में आपको, भी अच्छे से कर दो। मम्मी क्या बोले थे आपको, करेला नमक में भिगा के रखे देना। नहीं सुनना पड़ेगा, करेला नमक में भिगा, मम्मी क्या बोले थे, ऐसे करके उसका पानी अच्छे से थोड़ा निचोड़ने का, और निचोड़ने पे टूट जाता तब क्या करती मैं? टूट जाता, एक भी टूटा क्या? मेरे से टूट जाता, ऐसे नहीं होता, मेरे को पता है। अच्छे से ऐसे देखो, पानी गिर रहा है ना, ऐसे दबाने का कि पानी अच्छे से निकल जाए। उसके बाद एक जगह सब रखने का। फिर इधर देखो, मम्मी ने मसाला भी रेडी कर दिया, इसमें दही भी मिला लिए, सब रेडी करके रखे। अभी इसको निचोड़ के अच्छे से, उसके बाद ये तो हटा दूंगी, उसके बाद इसमें भर लेना है। उसके बाद बस देखते रहे, खुद ही पता चल जाना है ना। बस थोड़ा सा होगा। फिर मसाले को इसमें भरने का रहेगा ना? हाँ जी, आपको भी आना पड़ेगा, शामिल होना पड़ेगा करने ना। तुम हो ना, तुम हो, मम्मी है, तो फिर बस ना। देख इतना सारा पानी वेस्ट अभी भी निकला। होता है होता है होता है ना। चलो फिर चालू करते, देखो अभी भी पानी निकल रहा है। जरा भी पानी नहीं रहना चाहिए इसमें, होता है ना करेला एकदम बिना पानी का बनता है, तो आप एक महीने भी रख के खाओगे तो खराब नहीं होता। बस बनाने का तरीका थोड़ा अच्छा हो गया। बस एक एक करके सारे करेले में मसाला लगा लेते हैं। अब मम्मी अभी मसाला भर रहे हैं करेले के अंदर। स्टार्ट कर चुके हैं मम्मी और परवीन दोनों। मेरी चम्मच से करी थी, नहीं हो रहा था बराबर। हाँ अच्छा, सही से नहीं भरता ना फिर अंदर। भरता नहीं है मसाला, जब तक एकदम अच्छे से रहेगा नहीं तो अच्छा भी नहीं लगेगा। बस देखो ऐसा कर दी मैंने, ऐसे करे इसका बनाती ना परवल का भी। लेके आज रखा था, मम्मी ने बोले कि चलो आज फिर भरवा करेला ही बना लेते। अब बता भी देते हैं कि हाँ, कैसे बनता है, और फिर है ना? सादा वाला क्या, घड़ी घड़ी बनाने का, कांदे मिर्ची वाला। बस कितना हुआ? हाँ बस देखो ना, माशाल्लाह चार हो गया। कितना मस्त लग रहा है माशाल्लाह, दिखने में तो बहुत मस्त मस्त लग रहा है। ये पता है कि नहीं पता है, ये सब में बहुत जल्दी नजर लग गया था मालूम। हाँ अच्छी बात क्या है कि हम लोग खा लेंगे जब तक वीडियो पड़ेगा। फिर भले कोई नजर लगा दे चलेगा, वही ना। और यहाँ देखें दादी अपना फ्रेश हो के बैठी हैं। हाँ दादी, दादी गाना सुना दो ना। दादी गाना सुनाओ जब तक यहाँ काम चालू है। हाँ। तब तक चलो गाना सुनाओ। टीवी में नहीं तो कम से कम यही अपना गाना। दादी गाना गाना गा के बताओ दादी है? गाना गाओ गाना। हाँ अरे चुनाव के बहुत भरे तो हम गाना से बोला दी। दुआ करो दादी, दुआ करो और क्या। दुआ तो करता गा गई। अच्छा नहीं, अच्छा जब तक के लिए दूसरा गाना गाओ। कितना दुआ मांगे, लेके आना दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना। क्या बात है, क्या बात है दादी, सपना तो बहुत बड़ा हुआ है जी। बेटा दादी
और दूसरा गाना गाओ दादी, कोई अच्छा वाला गाओ ना दादी। शायद उसका टाइम निकल चुका है। कितना सोच रही है दादी? अकेले में गाएंगे। अच्छा गाना है। हाँ तो गाओ दादी, गाओ। के चुड़िया किने दुमन जरा ले गया है, जरा ले गया। वो जब गावा था तभी याद रहा था, नहीं भुला जाए था। हाँ गाना दादी, उसे तो अच्छा अच्छा गाना गाती हो ना। गाना एक कड़ी आवत है। हाँ पूरा उसे भूल गए सब। अच्छा भूल गए सब, कुछ याद नहीं है। तो फिर जान नहीं। यहाँ देखें मम्मी और परवीन, देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। देखिए नागिन का, देखो नागिन का एक से एक गाना रहा। कौन सा गाना दादी नागिन का? एक से एक गाना रहा है। कौन सा? अगर एक को भूल गए। कुछ भी नहीं याद है दादी गाना तो। ऐसे बैठी रहो बैठी रहते याद आई एक कड़ी, ऐसे बोलो दूसरा कड़ी भूल जाई थे। तो जो कड़ी याद है वो कड़ी गाओ तब। जब नागिन बन के जाती है ना। हाँ तो ऐसे खड़ा रहा था सांप। हाँ हाँ तो ऐसे खड़ा रहा था फंड उठाए। हाँ। नागिन लेटी बैठी रहती है। हाँ वो ये गजंती माला है उसमें। हाँ ऐसे बैठ तो बोलती है कि हाँ। तू क्या मेरे डसेगा? हाँ तो ऐसे ऐसे मैं भंड कर ऐसे सपोवा। हाँ ऐसे चोच मार देते हैं। हाँ तो कहीं है काट लेते हैं। अच्छा तो मर जाती। तो सनातन तो है ना उसका हीरो। हाँ वो हीरो है ना। अच्छा लैला मजनू वाला गाना बताओ। लैला मजनू वाला गाना। लैला मजनू वाला तो वह है। कौन सा? पत्थर से ना मारो मेरे दीवानी का। और आगे पूरा सुनाओ ना दादी अच्छे से। जब भी इसको लेके जाते हैं ये है का गाना है। मधुबाला है उसमें। हाँ काम किए है। अच्छा मधुबाला, मधुबाला बादल ने काम किए है जिसे मालूम होता है कि अब बिजली चमक जाए। हाँ ऐसा उसको मेकअप किए रहा थे। हाँ कि पहचान इंसान का दिमाग खराब हुई देख कर। और घोड़े में जाती है चल करके बादल में, क्या बता रहे हैं उसने। हाँ तब वही पर गाती है दादी। आपको गाना सुनाने बोल रही, आप पूरा पिक्चर की स्टोरी बता रहे हो। गाती है गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। हाँ हाँ वही गाना गाती है। अच्छा पब्लिक रो देती है। हाँ फिर आप रोई थी दादी तो ये गाना सुन के। हाँ तो फिर हम लोग खुद ही आंसू गिरता था। दुख भरा रहेगा तो जरूर आंसू गिरेगा। पत्थर का दिल रहेगा तो नहीं आंसू गिरेगा। सही बात है दादी, तो आंसू गिरेगा। हाँ दादी मालूम ऐसा ऐसा पिक्चर बताता था कि दिमाग खराब हो जाता है। ये बैंगन का भी बना रहे भरुआ, ये मसाला बच गया था ना। हाँ तो बोले कि ये इसमें बैंगन भी डाल देते। तो अब इसको क्या कुकर में डालने का? हाँ ठीक है लाती हूँ। जब तक मम्मी देखी मैंने तेल भी गर्म कर दी हूँ, इसमें सेट करके अच्छे से बजाना। मम्मी तो आपको कैसा लगा दादी की बात सुन के? उनको गाना सुना नहीं बोले तो पिक्चर का स्टोरी सब बता। आप तो मम्मी शुरू से इनको ऐसे देखते आएंगे ना, गाना सुनाते पिक्चर देखाते, जो पिक्चर के बारे में पूरा पिक्चर बोलती रहती है, स्टोरी सब बताती रहती है, है ना? दादी चुप करके मेरे बहन की पहचान में ये गाना सुनाए। देखो परवीन को ये गाना सुनना है, लेकिन दादी आज मूड में नहीं है ना। वैसे दादी मूड में रहेंगी तब अच्छे से गाना गाती हैं। अच्छा पहले बैगन डालने का? नहीं ऐसा कुछ नहीं। मम्मी तो इसको स्मेल रख के मतलब सीटी लगाना रहेगा। तेल डालना
अच्छा ये कार से गए क्या? शायद से गाड़ी कार से गए। एक और सास बहू मिल के बनाई है करेला बैगन का भरुआ, है ना? फिर मैं खा के बताऊंगी कैसा बना है। अच्छा जी, तो क्या मेरा काम तो वही है ना। अच्छा हाँ, क्यों मुझे मालूम हो, लास्ट मोमेंट पे आपको भूख लग जाती है ना। हाँ सही, एक सुबह कितनी हवा सही ठंडी थी, बरकम हुई थी, पानी और नहीं डाला। देखो थोड़ा सा छेटा मारने करेगा पानी, क्या अल्लाह की शान है। अच्छा स्लो भी रखने का है ना, आज के लिए बहुत हवा कर देगा। हेलो, अभी इसको लेके जाओ गैस पे रखो। हाँ, कम से कम 3 सीटी लगने लगे दो। हाँ, फिर उसके बाद फिर खोलने का नहीं है ना, मतलब ऐसा छोड़ दीजिए, ढक्कन मतलब आपको तो पता ना 3 सीटी लग गया था कुकर में से, मैंने खाली कर दी क्योंकि अच्छे से घोल चुका था। फिर मम्मी क्या बोले ना, थोड़ा सा अच्छे से फ्राई कर दे बैंगन, ये बैंगन को भी और इसको। अब देखो माशाल्लाह ये जो दाल है ना, ये देखें बिल्कुल गल चुका है। अपने को ऐसे चाहिए, इसके लिए बोले थे सीटी लगेगा ना तो अच्छे से हो जाएगा। अभी चलो, अभी ये हो गया रेडी, तो हम चलते हैं, निकालो। देखो माशाल्लाह अच्छे से कुरकुरे भी हो गया है। लाल लाल, हाँ एकदम तैयार हो गया। अच्छा दिख रहा माशाल्लाह, इसको सिर्फ पराठे के साथ खाओ, है ना? मैं तो दाल चावल से खाने वाली हूँ, कुछ भी बोलो। और बस ये देखो मेरा बैंगन भी हो गया रेडी, बिल्कुल गल चुका है। और ये भी, और अभी मैं ये गैस भी बंद कर देती हूँ क्योंकि अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो आपको कैसा लगा, आपको कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताएं। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो में अगर कुछ अलग है या कुछ भी तो आप कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं, और जितने कमेंट्स आते हैं मैं सब देखती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है मेरे को आप सबकी बातें भी जो भी बोलते हो, ये लगता है हाँ चलो कोई तो है मतलब समझ रहे या देख रहे हैं उस हिसाब से। अगर चलो फिर रखती हूँ, अल्लाह हाफिज़। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।